अदालत को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पांव तक झूठा मक्कार और मुस्लिम खुश आदमी है, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह की पकड़ होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी आज हमजा यूसुफ साहब से मुलाकात हुई है, कैसी रही और किन मामू पर बातचीत हुई? हुई और वो फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं स्कॉटलैंड के, नौजवान है, बड़ा उनमें जज्बा एनर्जी है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोनेंट है, पाकिस्तान के बरतानिया से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और स्कॉटलैंड से भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। स्कॉटलैंड में डायस्पोरा 80,000 पाकिस्तान रहते हैं, 70,000। मैंने उनसे आज तय किया कि हमें इन्वेस्टमेंट काउंसिल बुलाएंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह बैठ के हम किस तरह अपने स्कॉटलैंड में पाकिस्तान के तल्लुकात में मजीद उसमें बेहतरी और मजबूती ला सकते हैं, उसके लिए हमने फैसला किया कि हम और जल्द एक इन्वेस्टमेंट इसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, तालीम और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन, वो इंशाल्लाह। और फिर इसके अलावा पानी और सोलर और विंड एनर्जी, इसमें स्कॉटलैंड को बहुत हालत हासिल है, इंशाल्लाह मिलकर हम इन फील्ड में हम इंशाल्लाह पब्लिक। आपकी जहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी ने केस बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि उसमें पाकिस्तान की क्या जो सरकारी खजाने से आज जो केस था जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने रन किया था, पाकिस्तानी टैक्स पेयर से कितना पैसा उसके लगा था? अल्लाह ताला ने उसमें मुझे नहीं, पाकिस्तान के आवाम को सुरखरू किया, मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ाम थे और वो 2 साल एनजीएल की तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्जरलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने सेफ पेमेंट में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल-करम से मुझे क्लीन चिट मिली, मुझे ये अल्लाह ताला का करम और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान सुरखरू हुआ, लेकिन उसकी बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम अरबे इस्तेमाल किए, लेकिन रब ताला के करम के पाकिस्तान की इज्जत महफूज रही बल्कि इज्जत बढ़ी है। ये जो कितने पैसे इसमें लगे वो मैं जरूर की रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब, एक क्वेश्चन मेरा कि ये इमरान खान साहब अब तक नाकाम हो रहे हैं और अब फिर 14 मई को इलेक्शन लेने में भी नाकाम रहे, एक दफा फिर वो सड़कों पे आने पे ऐलान किया, क्या आप समझते हैं कि उनका जो एक सिलसिला है इसका बंद होना चाहिए? अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पांव तक झूठा मक्कार और मुस्लिम खुश आदमी है, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह की पकड़ होगी। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।